वातावरण बैठक हुई है और एलजी साहब ने ये कहा है कि उन्होंने प्रिंसिपली एग्री किया है कि महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन के ऊपर छुट्टी के लिए और जल्दी नोटिफिकेशन निकलेगा पूरी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करते हुए इस प्रकार की बात हुई है। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को सभी जो खासतौर डुग्गर प्रदेश के लोगों को और जम्मू कश्मीर और पूरे भारत के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि 72 सालों से जो एक मांग थी, जम्मू की मांग थी, यहाँ के नेशनलिस्ट, जम्मू कश्मीर के नेशनलिस्ट की मांग थी कि महाराजा हरि सिंह जिनका बहुत बड़ा रोल रहा है, जैसे उन्होंने 26 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर का मिले भारत के साथ किया और भारत का मुकुट बनी जम्मू कश्मीर बना, जो लीगल प्रोसेस था उसके लिए वो बना, और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने लगातार जो है जम्मू के लोग जो है इसके लिए संघर्ष कर रहे थे, जब हम सरकार में थे तब भी हमने बहुत कोशिश की, लड़ाई भी हुई, कैबिनेट में भी कड़वाई हुई, तो लेकिन हमारा कोलिशन पार्टनर नहीं माना। लेकिन आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, हमारे गृह मंत्री अमित भाई शाह और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को और जम्मू के लोगों को, जितने भी लोग हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं कि आपके जो है लगातार प्रयासों से आज महाराजा हरि सिंह जी को जो इज्जत मिलनी थी, जो मिलनी चाहिए थी, वो अभी तक नहीं मिली थी, वो अभी मिली है। ये हम सभी को बहुत बहुत बधाई। महाराजा हरि सिंह बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे, उन्होंने हरिजनों को टेम्पल एंट्री दी जम्मू कश्मीर में, पहले नहीं होती थी। इस प्रकार से जो एक बहुत भी मुबारक का दिन है आज का दिन। अभी मेरे संग जुगल किशोर जी, माननीय सांसद महोदय, माननीय सत शर्मा जी, माननीय निर्मल सिंह जी और युवा राजपूत सभा के अध्यक्ष माननीय हैप्पी सिंह जी, हम सब लोग अभी गवर्नर साहब से मिल के आए हैं और मैं जम्मू कश्मीर के आवाम को मुबारकबाद देता हूँ कि जम्मू कश्मीर की भावनाओं को और आकांक्षाओं को मद्देनज़र रखते हुए माननीय गवर्नर साहब ने, माननीय गृह मंत्री साहब ने हमारी जम्मू कश्मीर की एक बड़ी दरीना मांग, जो हमारी महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी थी, उसकी मंजूरी दे दी है। हम मशकूर हैं माननीय गृह मंत्री, माननीय अमित शाह जी के और माननीय राज्यपाल मनोज सिन्हा जी के, जिन्होंने हमेशा लोगों की आवाज़, जम्मू कश्मीर की आवाज़ बन के जम्मू कश्मीर के लोगों के हित के लिए काम किए हैं। मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, अपने साथियों की तरफ से और इन युवाओं के, युवा राजपूत सभा के जो सदस्य हैं और भी बाकी जितने लोग हैं, हमारे ये ट्रांसपोर्ट के सरदार साहब भी आए हैं, जिन जिन को यहाँ बुलाया गया था, हम मैं समझते हैं कि उनका शुक्रिया अदा। और जम्मू ऑफिशियल ऑर्डर कब तक निकलेगा? नोटिफिकेशन, उन्होंने कहा कि 23 से पहले पहले नोटिफिकेशन हो जाएगी। और आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक है, ये एक बहुत बड़ा दिन है कि आज महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी की जो बड़ी दरीना मांग थी वो पूरी हो। जम्मू कश्मीर के नागरिकों के लिए आज बड़ा ही हर्ष का दिन है कि वर्षों पुरानी मांग कि महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन पर छुट्टी हो, आज आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने वो जम्मू कश्मीर के लोगों की, डोगरों की मांग को पूरा किया है। उन्होंने ये घोषणा की है कि बहुत जल्द नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा और 23 सितंबर की जो छुट्टी है वो होगी और इससे सारे जम्मू कश्मीर के लोगों में एक हर्ष की जो खुशी की लहर जो है वो दौड़ पड़ी। हो रहे हैं जो आपने एक जंग लड़ी और अब आज सर मैं सारे को पहले मीडिया का, जे जम्मू की मीडिया का, सारे जम्मू के डोगरे का, जेडी जम्मू के डोगरे इतने एक मुठ बनाई दी, ये सारी उनकी कामयाबी है। मैं सारी एसोसिएशन, सारी एनजीओ, हर एक डोगरा जिन्हें युवा राजपूत सभा का इस छुट्टी के मुद्दे पर साथ दिता है, मैं दिल की गहराइए कहने हाथ जोड़िए उनका शी चुकाना उनके अगर कि अगर जम्मू की सेम एंड कहने अगर आज़ादी मिली है तो सच्ची श्रद्धांजलि महाराज मिली है वो अज माननीय एलजी महोदय श्री मनोज सिन्हा हुंदा दिल की गहराइए कहने मैं शुक्रिया अदा करना। गृह मंत्री जी, सारे बड़े भरा देवेंद्र राणा जी, जुगल जी, तो खास करिए मैं आवाम जड़ी जम्मू की, खास करिए एक एक डोगरा, मैं अज भी आखूँ कि मैं युवा राजपूत सभा सिर्फ अस जाति दे राजपूत जरूर हैं लेकिन जम्मू के डोगरे पहली लड़ाई जी जीती है, इसे कन्नै महाराज कन्नै गै जित कन्नै
अज के बाद जेडे जम्मू के खुशहाली दे दिन वो दोबारा हरा परे हो जांगन। जय जम्मू, जय डोगरा, जय मैं डोगरी। आप ये सब लोग Happy bye! Happy bye! Happy bye!